नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के सोनभद्र जिले से, जहां ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कोरोना जागरूकता कार्यक्रम को चलाया गया है। जी हां, यूपी के सोनभद्र थाना पिपरी क्षेत्र के रेणुकुट ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 नामक संक्रामक महामारी बीमारी से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य कराते हुए देश विदेश में फैले कोरोना नामक संक्रामक महाबीमारी से बचाव संस्थान की आपदा प्रबंधन की टीम बढ़ चढ़कर ग्रामीणों व शहरी इलाकों में सैनिटाइजेशन व जागरूकता का कार्य करती चली आ रही है। उक्त टीम द्वारा संस्थान सहित आसपास में स्थित नगर पंचायत रेणुकूट, मधुरवा, नगर पंचायत पिपरी व आसपास के ग्रामीण अंचलों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क वितरण करने व इसके प्रयोग करने तथा सैनिटाइजेशन का कार्य के साथ साथ राहत सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। संस्थान द्वारा विभिन्न जगहों में फॉगिंग करने जैसे कार्यों को प्रगतिवाद के रूप में किया जा रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड रेणुकूट के CSR विभाग द्वारा विगत दिनों डोंगिया नाला, पिपरी, खटाल व बभनी के कुल 125 लोगों में फेस मास्क व वितरण किया गया। कंपनी द्वारा आइसोलेशन रूम, वार्ड व बेड की अग्रिम व्यवस्था भी कराया गया है, जिससे आकस्मिक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति को रखा जाए और इलाज किया जा सके। और कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु लोगों में पर्चियां बांटकर जागरूक भी किया जा रहा है। कंपनी ने निकटवर्ती गांव में व अपने गोद लिए गांव में गरीब व असहाय लोगों में राशन भी मुहैया करवा रही है। देखे सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। मैं SN शास्त्री, ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट डिवीजन का यूनिट हेड हूँ। हमारा प्लांट में क्लोरीन, कास्टिक सोडा और इत्यादि केमिकल्स बनाया जाता है। जब से ये महामारी आया है मार्च 2nd वीक 3rd वीक से, उससे पहले ही हम लोग इसके सतर्क हो गए हैं। हमारा कॉरपोरेट गाइडलाइंस बनना चालू हो गया है। हम लोग प्लांट 40-50% पे चलता आ रहा है। प्लांट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें एक ब्लीचिंग पाउडर है, दूसरा सोडियम हाइपोक्लोरेट है, इसके अलावा कास्टिक सोडा और क्लोरीन गैस है। सेवाएं चल रही हैं आपकी, जो राशन की व्यवस्था की जा रही है, खाने का पैकेट बांटा जा रहा है, मास्क और सैनिटाइजर, तो उसके विषय में कुछ रुपये का प्रकार डालिए सर। इसमें दो चीज़ हम बताना चाहेंगे आप। जैसा मैंने बताया, ब्लीचिंग पाउडर जो हम बनाता है वो सैनिटाइजिंग यूनिट है। इसके अलावा भी हम सोडियम हाइपोक्लोरेट लिक्विड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बहुत ही उपयोगकारी है सैनिटाइजेशन करने के लिए। जी सर। तो हम लोग ने कम से कम नियर बाई 10 विलेजेस को, 40-50 कम्युनिटीज को इस सोडियम हाइपोक्लोराइट से सैनिटाइजेशन किया है। इसके अलावा मास्क का बड़ा किल्लत हो गई थी, हम लोग ने मास्क क्लॉथ से चालू करके कम से कम 600-700 मास्क गांव में भी बांटे हैं और अभी भी बांट रहा है। 40-50 मास्क डेली हमारा बनते हैं। हम लोग स्टॉक भी रखते हैं, जब जहाँ ज़रूरत पड़ता है कॉलोनी के अंदर बाहर भी हम उसको वितरण करते हैं। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाए, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर मैनेजर। चैनल को यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। नमस्कार।